हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ उपासना। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी पहले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग बैंगलोर से ऊटी आए हैं। तो ये जो ऊटी की ट्रिप की एक सीरीज़ होने वाली है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, आप सारे डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे हम लोग ऊटी तो पहुँच गए थे, लेकिन हमारी स्टे जो है वो कैंसिल हो गई थी। तो कैंसिल होने के बाद हम लोग ऐसे नेट में सर्च करते करते एक होम स्टे हमको मिला था, तो हम लोग अभी वो होम स्टे को जा रहे हैं। तो ये जो अभी देख रहे हैं हैदराबादी बिरयानी, उसी के ही पास वो होम स्टे है। तो चलिए, पहुंचने के बाद मैं आपके साथ बात करती हूँ। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये एक होम स्टे है, ये दो दिन पहले ये तो न्यूली ओपन हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टे करने वाले हैं, तो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक्चुअली हम लोग को एक कंबाइंड रूम मिला है, दो कपल हम लोग अभी रुकने वाले हैं, क्योंकि जो सिंगल बेडरूम होती है वन कपल के लिए वो अभी बुक्ड है। तो हम लोग मीन्स इमरजेंसी में ये होम स्टे बुक किए थे। तो ये एक देखिए, एक ही रूम में दो ऐसे बेड है दो कपल के लिए, यहाँ पे साइड टेबल रखा गया है और ये बाथरूम है और ऐसे विंडोज वगैरह है और टीवी भी है। तो मीन्स वन डे के लिए, मीन्स वन नाइट के लिए ये काफ़ी था। तो हम लोग ऐसे थोड़ी सी रेस्ट करके और थोड़ी सी टिफिन वगैरह करके, हम लोग इवनिंग हो रही थी तो इसीलिए हम लोग एक गार्डन घूमने के लिए आ रहे हैं। तो कौन से गार्डन हम लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड एक वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, आपने सामने एक गेट दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा है कि ऊटी का जो रोज़ गार्डन है, तो हम लोग अभी वही जा रहे हैं रोज़ गार्डन घूमने के लिए। तो उसका जो एंट्री है जहाँ से स्टार्ट होती है, उस रास्ते को हम लोग अभी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो गाड़ी साइड में पार्क कर लिया हम लोग। तो यहाँ से हम लोग अभी जो रोज़ गार्डन है वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह की स्टेयर केस है। तो ये देखिए, पूरी ऊपर जो गार्डन है ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेयरकेस से जा रहे हैं। और साइड में ये देखिए पाइन ट्री वगैरह है। तो ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे एक जगह पे रुके हुए हैं, तो थोड़ी सी व्यू अच्छी आ रही थी, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके, थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक किए हैं। तो फ़ोटो जो है आप देखने के लिए मेरी इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, मैं आईडी यहाँ पे दे दूँगी, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं पहले वीडियो में आप देखे होंगे हमारे जो फ्रेंड, मेरी फ्रेंड के फैमिली आए हैं, हस्बैंड के फ्रेंड के फैमिली। तो ये देखिए,
तो उनकी बच्ची भी है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे टाइम स्पेंड किए थे यहाँ पे, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। तो यहाँ से थोड़ी सी आगे आपको चलना होगा। तो ये देखिए, तो ये देखिए सनसेट की टाइम थी, तो व्यू जो है वो बहुत ही बढ़िया आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बीच बीच में रुक के फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो ये जगह देखिए बहुत ही सुंदर लग रही थी, फ़ोटो तो बहुत ही सुंदर आ रही थी, बढ़िया आ रही थी। तो फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ये देखिए ये जो जगह है बहुत ही सुंदर है, और सनसेट की जो टाइम होती है फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम होती है। तो और ये जो प्लेस है मीन्स फ़ोटो तो बनती है, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक किए थे। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक के यहाँ पे चल के हम लोग को थोड़ी सी आगे जाना होगा। तो हम लोग भी जा रहे थे और साइड में भी व्यू एंजॉय कर रहे थे। ये पूरी माउंटेन के ऊपर था जो गार्डन, तो अलग ही नज़ारा है। और ये देखिए पहाड़ से पहाड़ के ऊपर सिटी की जो व्यू थी वो बहुत ही सुंदर है, ये देखिए। और बीच बीच में पाइन ट्री जो है तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रही थी, और सनसेट की टाइम थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मीन्स अभी का जो टाइम है पूरी इंडिया जबकि धूप में जल रही है, तो यहाँ पे जब आएंगे ना पूरी आपको विंटर वाइब लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये समर सीज़न है। तो यहाँ पे पानी जो है पूरी ठंडी है, मीन्स आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आप कौन से सीज़न में है, विंटर सीज़न में है या फिर समर सीज़न में, अब कौन सी सीज़न में है कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बाहर मीन्स सारे इंडिया में समर सीज़न चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आ जाएंगे ना तो आपको मीन्स धूप और जो हॉटनेस होती है समर की, तो आपको वो चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि ये समर सीज़न है। तो एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। तो समर सीज़न में आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं विंटर का मज़ा लेने के लिए। तो ये देखिए हम लोग रोज़ गार्डन के पास आ गए हैं, और यहाँ पे मीन्स एक रोज़ फेस्टिवल चल रही है। तो मीन्स रोज़ फेस्टिवल है, फ्लावर में कुछ कुछ ऐसे मीन्स बनाई गई है, तो हम लोग वो चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो ये साइड में ये देखिए टिकट काउंटर है, तो ये देखिए टिकट का जो डिटेल्स है आप यहाँ पे ये देखिए वॉल पे लिखा गया है, आप सारे डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग तो यहाँ पे हम लोग टिकट करेंगे, तो टिकट का डिटेल्स वॉल पे है। तो टिकट करके हम लोग क्या यहाँ से अंदर जाएंगे क्यूब में। तो स्टे ट्यून होते हैं चैनल एंड वीडियो का कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो ये देखिए हम रोड से उस पर से इस पर आ गए हैं, और अभी हम क्यूब में यहाँ पे यहाँ से जाने वाले हैं। तो ये देखिए ऐसे बैरिकेड है, तो यहाँ पे बीच बीच में सिक्योरिटी है, वो टिकट वगैरह चेक करेंगे, चेक करके आपको अंदर एंटर करने के लिए देंगे। तो ये देखिए हम चारों मीन्स और एक छोटी बच्ची पाँचों हम जा रहे हैं अभी। तो ये देखिए हम लोग एंटर कर चुके हैं, एंटर करते साथ ही इसका जो नज़ारा और व्यू आप देखिए बहुत ही सुंदर है, पूरी फ्लावर एंड रोज़ से भरी है, तो बहुत ही सुंदर है। तो ये वहाँ पे कुछ कुछ बनाई गई है फ्लावर से, तो हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे वो क्या बनाई गई है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे और फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे मीन्स फ्लावर में कुछ कुछ बनाई गई है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए आईफिल टावर बनाई गई है, तो एक अलग ही नज़ारा है। और इवनिंग का जो टाइम है इस तरह की गार्डन या पार्क जैसे फ्लावर जो जगह होती है बहुत ही सुंदर लगती है, मीन्स एक सुकून सा फीलिंग होती है। तो और इस जगह का जो व्यू है आप देखिए यहाँ से सिटी भी दिख रही है, इसका जो सिटी है पूरी पहाड़ों से घिरा है, और मीन्स पहाड़ों से ही मीन्स पहाड़ के ऊपर ही इन लोगों की जो घर है वो बनाई गई है, इतना बारीकी से घर बनाते हैं। तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को मीन्स सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी क्लिक करते रह देना, क्योंकि मीन्स अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और सिटी टूर भी करेंगे। सिटी टूर करते टाइम आप लोग देखेंगे कि उन लोगों का घर कैसा बना है, तो वो बहुत ही अमेजिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके की घर बनाते हैं। तो अभी चलिए रोज़ गार्डन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखिए रोज़ से कुछ कुछ बनाई गई है, यहाँ पे ऐसे फुटबॉल बनाई गई है, तो यहाँ पे आईफिल टावर बनाई गई है। ये जो आईफिल टावर है बहुत ही आई कैचिंग थी, तो बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे जो फ़ोटो है बहुत ही सुंदर आती है। तो हम लोग भी बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए हैं, तो फ़ोटो देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, मैं आईडी दे दूँगी यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं।
तो ये देखिए ये जगह जो है मीन्स फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए और वीडियो वगैरह बनाने के लिए बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अमेजिंग लाइट आ रही थी, तो बहुत ही सुंदर लगा। तो आप भी एंजॉय कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हम लोग क्या क्या करते हैं सारे डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिफरेंट रोज़ की जो प्लांट्स है लगाई गई है, तो उसका जो नेम है यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड पे, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है, डिफरेंट तरीके की रोज़ की प्लांट्स लगाई गई है। रोज़ गार्डन है तो आपको रोज़ ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है जिस तरह की यहाँ पे सजाई गई है। तो ये जो जगह आप कवर करने के लिए आपको एक हाफ डे या फिर वन डे आपको मिलेगा टाइम, क्योंकि आप कवर नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम नहीं होगा। तो हम लोग मीन्स पूरी पार्क जो क्लोज होने के बाद भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि वो उनका जो सिक्योरिटी है वो लोग मीन्स ऐसे बीच बीच में आके बोल रहे थे कि क्लोज़ होने वाली है। तो हम लोग जैसे तैसे करके पूरी मीन्स एक्सप्लोर करने के लिए या फिर कवर करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो देखिए क्या आगे होती है, तो आपको सारे कुछ चीज़ें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मीन्स फ्लावर यहाँ पे लगाई गई है और सनसेट की टाइम थी, तो यहाँ पे सनसेट भी हो रही थी, उसका जो व्यू है बहुत ही आई कैचिंग था और मिसमराइजिंग था, बहुत ही सुंदर लग रही है ये देखिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि मेरे पहले वीडियो पे आपने देखे होंगे, मैं बता रही थी मुझे थोड़ी सी कोल्ड हो गई है, तो थोड़ी सी मेरी वॉइस दबी हो रही है मीन्स दब गई है, तो थोड़ी सी वॉइस को बियर करना होगा। तो प्लीज़ आप लोगों को मीन्स सुनाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो पता नहीं, थोड़ी सी आपको बियर करना होगा क्योंकि वॉइस इतना क्लियर नहीं हो रही है, तो बीच बीच में मेरी वॉइस अटक जा रही है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, सनसेट का टाइम था तो बहुत ही सुंदर लग रही है और अमेजिंग फीलिंग हो रही है। ये देखिए सनसेट का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए व्यू देखिए, यहाँ से मीन्स व्यू बहुत ही सुंदर लग रही है, सिटी भी दिख रही है और सनसेट का टाइम है, तो एक अलग ही मीन्स नेचर का कलर जो है चेंज हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये देखिए बहुत ही बड़ी जगह है आपको कवर करने के लिए, वन डे या फिर हाफ डे से भी ज़्यादा आपको टाइम लगेगी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर है, तो हम लोग वहाँ आगे भी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आगे भी बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। तो ये देखिए टेक टूरिज्म विद मी चैनल, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, व्यू भी देखने के लिए मिलेगी। ये एक जगह है देखिए बहुत ही सुंदर है, और ये एक मीन्स ऐसे बैठने के लिए रेस्ट रूम है, तो जो रेस्ट रूम तो नहीं बोल सकते ऐसे मीन्स पार्क को डेकोरेट करने के लिए एक है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है और इसका जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। फ़ोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक करने से भी बहुत ही सुंदर आता है, यहाँ पे भी मीन्स ऐसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए बीच बीच में बैठे हुए थे, आप वहाँ से भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है।
देखिए यहाँ से मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि थोड़ी सी वीडियो लेने के लिए, तो वो वीडियो ले रहे थे। तो ये देखिए, तो यहाँ से फ़ोटो मैंने क्लिक की ली हूँ, तो बहुत ही अमेजिंग फ़ोटो आई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ये जो व्यू है बहुत ही सुंदर लग रही है, मीन्स आई कैंट एक्सप्लेन हियर, मीन्स बहुत ही सुंदर लग रही है। इतना बड़ा पार्क है, वो भी फ्लावर का, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक फ्लावर यहाँ पे है जो कि लैवेंडर कलर का है और वाइट कलर का है, तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पे ये देखिए। और ये देखिए व्यू देखिए, सनसेट का टाइम पे सिटी का जो व्यू है, ये देखिए पूरी पहाड़ जो है घर से पूरी कवर है, और उनका जो घर का जो बनावट है बहुत ही डिफरेंट तरीका है। तो अभी टाइम हो गई थी प्रॉपर, पार्क क्लोजिंग का टाइम हो गया था, तो वो सिक्योरिटी आके बीच बीच में हम लोगों को, मीन्स हम लोग नहीं पूरी, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो वो लोग वार्निंग दे रहे थे अभी क्लोजिंग का टाइम हो गई है, तो वहाँ से निकलने के लिए वार्निंग दे रहे थे। हम लोग कहते मीन्स एक्सप्लोर करते करते हम लोग अभी एग्जिट करने वाले हैं। तो ये देखिए व्यू बहुत ही सुंदर है, तो ये देखिए। और ये जो वीडियो है मीन्स मेरी हमारी जो होम स्टे है पहला दिन का, और ये रोज़ गार्डन की जो व्यू है एक्सप्लोर की मैंने, तो आपको ये वीडियो के मीन्स अच्छा लगेगा तो एक लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अभी तक तो आप चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। Because it's you and only you.